हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। वहां पे मैं आपको बहुत सारी स्पोर्ट्स न्यूज देता रहता हूं जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा आपको यहां पे दिख रहा होगा हैंडल, जाओ और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी आ रही है। ऑस्ट्रेलिया ने आज इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सारे मैचेस की डेट बता दी है। उसके अलावा सारे के सारे वेन्यूज का अनाउंसमेंट हो चुका है। इस सीरीज में 3 T20 मैच होंगे, 4 टेस्ट मैच होंगे और 3 ODI होंगे, यानी सारे के सारा पूरा फुल फॉर्मेट और होने वाला है। तो जरूर से वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले सीरीज स्टार्ट होगी T20 सीरीज से और इस T20 सीरीज में 3 मुकाबले खेला जाएंगे। सबसे पहला मुकाबला होने वाला है 11 अक्टूबर को, जो कि होने वाला ब्रिस्बेन के द गैबा स्टेडियम के अंदर, जहां पे काफी अच्छी बैटिंग सरफेस होता है। अगला मुकाबला होगा 14 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के मनुका ओवल के अंदर, जहां पे ज्यादा इंटरनेशनल मैच नहीं होता। जरूर से ये भी एक अच्छा मैच हो सकता है। और सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा 17 तारीख को एडिलेड के खूबसूरत एडिलेड ओवल के अंदर, और इस तरह से 3 T20 मैचों की सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद इंडिया वापस से इंडिया ट्रेवल करेगा और वापस से दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जाएगा 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए। सबसे पहला टेस्ट मैच खेला जाने वाला है 3 दिसंबर से और यह मैच भी वापस से ब्रिस्बेन के द गैबा स्टेडियम में होने वाला है। और जनरली यहां से टूर स्टार्ट होता है हर टीम का। अगला टेस्ट मैच होने वाला 11 दिसंबर से एडिलेड के एडिलेड ओवल स्टेडियम के अंदर। पहले बात चल रही थी डे नाइट होगा, लेकिन यह मैच नॉर्मल टेस्ट होने वाला है, एडिलेड में डे नाइट टेस्ट नहीं होने वाला। फिर तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 26 दिसंबर यानी बॉक्सिंग डे से, और यह मैच हमेशा की तरह होने वाला है मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और सबसे आखिरी टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला 3 जनवरी से, और यह मैच होगा सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, और यह एक डे नाइट टेस्ट होगा। जी हां, इंडिया अपने हिस्ट्री का दूसरा डे नाइट टेस्ट खेलेगा और ये होने वाला है सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। जरूर से ये काफी जबरदस्त टेस्ट मैच होने वाला है। और उसके बाद इंडिया आखिरी में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाला है। सबसे पहला वनडे मैच होगा 12 जनवरी को, जो कि होने वाला है पर्थ के बहुत ही शानदार पर्थ ओलंपिक स्टेडियम के अंदर। दूसरा वनडे मैच होने वाला है 15 जनवरी से मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, और इस सीरीज का आखिरी मुकाबला होगा 17 जनवरी को और यह मुकाबला खेला जाएगा सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। तो यह है पूरा पूरा शेड्यूल। सबसे पहले इंडिया 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगा, फिर वापस से इंडिया आ जाएगा, फिर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा और आखिरी के अंदर 3 वनडे मैच भी खेले जाएंगे। और शहर होने वाले हैं एडिलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ, सिडनी, मेलबर्न और कैनबरा। इन 6 शहरों के अंदर पूरा का पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा। तो जरूर से एक काफी अच्छा अपडेट आ रहा है क्रिकेट फैंस के लिए। जरूर से आपको वीडियो सुनकर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।